नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। मैं हूं कुमार बिने और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। आपको पता होगा कि कल यानी कि 1 जुलाई 2018 को जीएसटी ने अपने लागू होने के बाद में एक वर्ष का समय पूरा किया और आप यह भी कह सकते हैं कि जीएसटी ने कल अपना पहला जन्मदिन मनाया। काफ़ी सारे विवादों के बाद में, काफ़ी सारे उथल पुथल के बाद में जीएसटी को जा करके 1 जुलाई 2017 में लागू कर दिया गया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के संबंध में बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए 20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, किन बातों के ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा जीएसटी के संबंध में। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी क्या है, उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि जीएसटी का इतिहास क्या रहा है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी में कर स्तर यानी कि टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण बिंदु इससे जुड़े हुए कौन कौन से हैं, इसके अलावा जीएसटी ने एक साल में कौन सी अचीवमेंट पाई है भारत में, इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टॉपिक से जुड़े हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, उसके अलावा वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जीएसटी क्या है। किसी भी देश में जो सरकारें वहां पर काम करती हैं, चाहे हम बात करें केंद्र सरकार की या फिर हम बात करें राज्य सरकार की, तो उन सरकार को शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, मतलब कि धन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए विभिन्न देश की सरकारों के द्वारा अपने देश के अंदर कुछ कर लगाए जाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली थी। तो कर प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो भारत में सरकारों के द्वारा दो प्रकार के मुख्यतः कर लगाए जाते थे। एक हमारा है सेवा कर, दूसरा हमारा है वस्तु कर। तो सेवा कर के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी प्रोफेशन में है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई शिक्षक हो गया जो शिक्षा दे रहा है, कोई हमारा डॉक्टर हो गया या कोई हमारा वकील हो गया, तो इनके प्रोफेशन से जो टैक्स सरकार को मिलता था उसे हम लोग सर्विस टैक्स या सेवा कर कहते थे। उसके विपरीत अगर हम बात करते हैं वस्तु कर की, तो कोई भी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, कोई व्यापारी, इन सबसे जिस प्रकार का कर लिया जाता है उसके अंतर्गत बहुत सारे कर आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्पादन शुल्क कर के बारे में, इसके अलावा हम बात करें बिक्री कर के बारे में, या फिर हम बात करें प्रवेश शुल्क के बारे में। तो इस तरह से भारत में कुल मिलाकर के दो प्रकार की कर प्रणालियां थी, एक हमारा था अप्रत्यक्ष कर और एक था प्रत्यक्ष कर। तो जिसके बारे में हमें आज बात करनी है वह बेसिकली अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ अप्रत्यक्ष करों के बारे में देख सकते हैं, हमारा हो गया उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क, प्रवेश शुल्क, मनोरंजन शुल्क, सेवा शुल्क, विलासिता शुल्क और इस प्रकार के 17 अन्य अप्रत्यक्ष करों और 23 सेस को मिला करके या इनको हटा करके एक नए कर का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। ध्यान रखिएगा कि जितने भी कर के बारे में अभी हमने चर्चा की वे सारे अप्रत्यक्ष कर हैं। तो इसी प्रकार के 17 अप्रत्यक्ष करों को हटाया गया और उसके अलावा 23 सेस को। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब कि कर पर लगने वाला कर। अगर आपने कभी भी कोई खरीदारी की होगी तो वहां पर आपने अगर अपने बिल को ध्यान से देखा होगा तो नीचे आपको पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास सेस देखने को मिलता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ सेस लिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए कुछ सेस लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो 23 सेस थे उनको भी हटा दिया गया और 17 अप्रत्यक्ष करों को हटाने के बाद में फाइनली जा करके इन सारे करों के स्थान पर एक नए कर को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में, जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी का क्या मतलब होता है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं या इसे हम लोग माल और सेवा कर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जीएसटी जो हमारा होता है वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पर्पज क्या था, यानी कि हमारे गवर्नमेंट को जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में एक एकीकृत साझा बाजार का निर्माण किया जाए। आपको यह पता होगा कि भारत एक विविधताओं का देश है और इसीलिए सरकार यह चाहती थी कि भारत में एक एकीकृत साझे बाजार का निर्माण किया जाए, जहां पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वह भारत के सभी स्थानों पर एक ही रेट पर उपलब्ध हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, आप चाहे यहां उत्तर प्रदेश में खरीद रहे हों या आप जाकर के तमिलनाडु में खरीद रहे हों, उस पर लगने वाला कर एक समान हो। इसीलिए जीएसटी को हमारे संविधान के अनुसार इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 को। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो इसे लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव दिया था विजय केलकर समिति के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया गया था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, अगर अपने हम मूल संविधान की बात करते हैं, तो मूल संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने केवल उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में ही बताया था और इसी राइट्स को उन्होंने हमारे गवर्नमेंट को दिया था। इसके अलावा जो हमारे राज्य सरकार थी वह सर्विस टैक्स नहीं लगाती थी, यानी कि सेवा कर जो होता था वह राज्य सरकारों के द्वारा नहीं लगाया जाता था। फिर भारत की संसद में 122वें संविधान संशोधन बिल को प्रस्तुत किया गया और उसके बाद में जीएसटी को लागू किया गया था। अगर हम थोड़ा सा जीएसटी के इतिहास के बारे में और आगे बढ़ें, तो लोकसभा में यह जो बिल था यह 3 अगस्त 2016 में पास हुआ। आगे अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, तो राज्यसभा में भी यह 8 अगस्त 2016 में पास हो गया और फाइनली जाके जो उस समय हमारे राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा 8 सितंबर 2016 को इस पर सहमति दे दी गई। आपको यह पता होगा कि भारत में कोई भी विधेयक तभी पास होता है जब वह संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद में उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है, तो वह जो विधेयक होता है वह जाकर के अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रकार से यह जीएसटी के इतिहास रहा था, यह जीएसटी का इतिहास रहा है। अगर हम बात करते हैं तो संसद में इस तरह से पास होने के बाद में 15 राज्यों ने भी इसे रेटिफाई किया और भारत में जिस राज्य ने इसे सबसे पहले पास किया वह था असम। असम जो कि हमारा एक पूर्वोत्तर राज्य है, उसके द्वारा सबसे पहले जीएसटी को पास किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरह से 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को हमारे संविधान में जोड़ा गया और फाइनली जाकर के 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी डिटेल हैं, आप लोग इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो इसका मेन टॉपिक है, जीएसटी के प्रकार। जनरली हम लोगों ने क्या सुना था कि जीएसटी जो इसका स्लोगन भी था एक देश एक कर के बारे में, तो बेसिकली यह एक कर नहीं होता है। जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा हमारा होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और तीसरा हमारा होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस प्रकार से जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं। अब आइए जानते हैं कि सीजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी के अंतर्गत जो भी कर किसी वस्तु पर लगता है उस कर को हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जिस कर को लिया जाता है उसे हम लोग सीजीएसटी के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एसजीएसटी के अंतर्गत जो कर एकत्रित किया जाता है उस कर को राज्य सरकारें लेती हैं। एसजीएसटी के अंतर्गत जिस कर को एकत्रित किया जाता है उसको हमारी राज्य सरकारें लेती हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं आईजीएसटी के बारे में, तो आईजीएसटी को हमारे संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। आईजीएसटी की प्रक्रिया क्या होती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे के स्लाइड में डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में।
जैसे मैं इस समय लखनऊ में हूँ। लखनऊ में क्या हुआ कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है मधुर मिलन, जहाँ पर हम लोग अक्सर जाते हैं। तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक कॉफ़ी का आर्डर दिया। अब उस कॉफ़ी का जो मूल्य है, एक कप कॉफ़ी का मूल्य 40 रुपये है। दो लोग हम साथ में थे, तो इसीलिए इसका मूल्य कितना हुआ 80 रुपये। ध्यान रखिएगा, इसका मूल्य कितना हुआ 80 रुपये। अब इसके बाद में इस अमाउंट पर CGST और SGST लगाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर CGST लगाया गया 80 रुपये पे, और 80 रुपये पे ही SGST लगाया गया। तो 4.80 CGST और 4.80 SGST लगाया गया। तो कुल मिलाकर के अब हमको 89.60 रुपीज पे करने होंगे, यानी कि हमें कुल मिलाकर के 90 रुपए यहाँ पर पे करने होंगे। तो आपने इस बिल के माध्यम से देखा कि किस तरह से CGST और SGST को लगाया जाता है। अब सवाल उठता है कि भाई चलो ठीक है, केंद्र सरकार ने भी अपना पैसा ले लिया और राज्य सरकारों ने ले लिया, तो फिर IGST क्या होता है? अब जैसे हम लोगों ने CGST और SGST के बारे में बात कर ही ली है, तो IGST भी एक प्रकार का कर ही होता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए अच्छे से समझाता हूँ, तो आपको IGST भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा देश हुआ भारत, और इस समय मैं कहाँ पर हूँ, एमपी में कहाँ पर हूँ मैं इस समय, एमपी में, और मुझे किसी सामान को परचेज करना है जम्मू और कश्मीर से मुझे किसी सामान को परचेज करना है। मैंने उस सामान को जम्मू और कश्मीर से परचेज किया, हमने उस सामान को जम्मू और कश्मीर से ख़रीदा। ध्यान रखिएगा कि उस सामान का या उस प्रोडक्ट का उत्पादन जम्मू कश्मीर में हुआ है, और जब हमने इस प्रकार से किसी सामान को ख़रीदा, तो जो हमारे राज्यों के बीच में व्यापार होता है उस पर नज़र रखने के लिए IGST को इंट्रोड्यूस किया गया था। जब दो राज्यों के मध्य में व्यापार होता है तो उन पर नज़र रखने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसे IGST कहा जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि एकीकृत वस्तु और सेवा कर। तो इसमें जो कर हमारी सरकार लेती है उसमें से कुछ हिस्सा जाता है हमारी केंद्र सरकार को, और उसका कुछ हिस्सा जाता है उस राज्य की सरकार को जिसमें वह उपभोक्ता रहता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने सामान खरीदा जम्मू कश्मीर से, लेकिन जो IGST का हिस्सा है वह जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश से इस सामान को खरीदा है। तो इस सामान का जो हिस्सा है, इसका जो कर का हिस्सा है, उस कर के कुछ हिस्से का भाग केंद्र सरकार को गया और कुछ भाग इसका जाएगा हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को। मतलब यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर हमारा अंतिम उपभोक्ता निवास करता है उस राज्य की सरकार को यह कर जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा IGST के बारे में। यहाँ आप एक बिल का फॉर्मेट देख सकते हैं, इस बिल में यहाँ पर IGST को इंक्लूड किया गया है, CGST होगा, SGST होगा, और नीचे हमारा IGST इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GST परिषद के बारे में। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े टैक्स को इतने बड़े देश में लगाना है तो उसके लिए किसी परिषद का गठन आवश्यक है। तो इसीलिए GST परिषद का गठन हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, और GST परिषद को हमारे संविधान के अंदर एक नए अनुच्छेद 279A में शामिल किया गया, और इसी में इसके गठन के संबंध में जितने भी प्रावधान होते हैं उन सारे प्रावधानों के बारे में बताया गया है। GST परिषद के एक नए अनुच्छेद 279 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया और इसमें इसके गठन के सारे प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी GST परिषद है उसका गठन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत में GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी, डेट आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 33 सदस्य होते हैं। भारत का वित्त मंत्री इसका चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होता है, वर्तमान में माननीय अरुण जेटली जी इसके चेयरमैन हैं।
इसके अलावा हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। फिर हम लोग बात करें कि किसी मुद्दे पर जीएसटी परिषद के द्वारा निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी मुद्दे पर जीएसटी परिषद के द्वारा 3/4 मेजॉरिटी से निर्णय लिया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि इसमें कुल 33 सदस्य हैं, तो 3/4 कितना हुआ, ये हमारा हो गया 24। किसी भी मुद्दे पर जब 24 लोग उसके पक्ष में होंगे या किसी भी निर्णय पर जब 24 लोग उसके पक्ष में होंगे तभी उसको मान्य किया जाएगा। 3/4 लोग उस मुद्दे के पक्ष में होने चाहिए, उस निर्णय के पक्ष में होने चाहिए, तभी उसको जीएसटी परिषद के द्वारा पास माना जाएगा। अगर हम लोग वेटेज की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे केंद्र सरकार को 1/3 वेटेज दिया गया है और हमारी राज्य सरकारों को 2/3 वेटेज दिया गया है, यानी कि यहाँ पर राज्य सरकारें हमारी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब जीएसटी के एक साल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस वर्ष के अगर आर्थिक सर्वेक्षण दैट मीन्स इकोनॉमिक सर्वे को आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा, तो उसमें पूरा एक अध्याय, पहले खंड का जो अध्याय 2 है उसमें पूर्ण रूप से माल और सेवा कर के बारे में बताया गया है और उसमें बताया गया है कि इससे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं देश में। हालांकि हम बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे कि पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि भारत में जीएसटी लागू होने के पश्चात अप्रत्यक्ष करदाताओं में 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर देश में कर देने वाले लोग हैं उनकी संख्या में 50% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब है कि एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा से जीएसटी को अपनाया, तो भारत जैसे देश के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है कि लोग स्वेच्छा से कर देने के लिए आ रहे हैं, वरना तो हमारे देश में आप लोग देखते ही होंगे कि कर चोरी बहुत तेज़ी से होती है या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कर चोरी का, मतलब जिसको भी मौका मिल जाए वो जहाँ से मिल जाए वो कर चोरी जरूर करता है। तो उसी प्रकार से जीएसटी के मामले में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा से जीएसटी को अपनाया। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत के आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार का मतलब है जो भारत के अंदर सारे व्यापार होते हैं, जो हम बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करते हैं उनको छोड़ करके जो भारत का आंतरिक व्यापार होता है वह जीडीपी का 60% हो गया, यानी कि जो हमारे देश में संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें आंतरिक व्यापार का योगदान 60% हो गया है। तो यह हम लोगों ने जीएसटी के एक साल में अचीवमेंट के बारे में जाना। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जैसे जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, जिसने 1954 में इसे लागू किया। इसके अलावा अगर कोई व्यापारी है, कोई कंपनी है जिसका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो उसे जीएसटी पंजीकरण करवाना होगा और जीएसटी के अंतर्गत ही इसका भुगतान करना होगा। ध्यान रखिएगा कुछ राज्यों में यह जो रेट है वह 10 लाख भी रखा गया है, यानी कि कर की सीमा 10 लाख रखी गई है। अब 20 लाख का मतलब क्या हो, मान लीजिए कोई व्यापारी है जिसने 10 लाख का सामान खरीदा और 11 लाख को उसे बेच दिया, तो कुल मिलाकर के इसका जो टर्नओवर हुआ वह 21 लाख हो गया, तो इसे जीएसटी के अंतर्गत शामिल होना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं जीएसटी पंजीकरण के दौरान हमारे जितने भी व्यापारी होते हैं उनको एक जीएसटी पंजीकरण संख्या मिलती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसमें कुल मिला के 15 डिजिट होते हैं। बिल के ऊपर आप लोगों ने स्पष्ट रूप से उस पंजीकरण संख्या के बारे में देखा होगा। जीएसटी को लागू करने वाला हमारे देश का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। और अगर हम बात करते हैं जीएसटी बिल के प्रारूप के बारे में, तो जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जीएसटी के बारे में सबसे पहले केलकर समिति ने बताया था और जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया था किसने, असीम दास की गुप्ता में की अध्यक्षता में जिस समिति का निर्माण हुआ था उसने इसके प्रारूप के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीएसटी के संबंध में जितने भी बेसिक चीज़ें थे उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब आइए चलते हैं और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जीएसटी एक प्रकार का कर है,
तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ, तो यह तो आपकी जबान पर होना चाहिए अब कि 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो जीएसटी का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। अगला है जीएसटी बिल को सर्वप्रथम किस देश द्वारा पारित किया गया, तो जीएसटी को सर्वप्रथम असम के द्वारा पारित किया गया, यह भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है, तो जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 246A में है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी लागू नहीं है, हालांकि यह प्रश्न तब का है जब जीएसटी लागू हुई थी उस समय जिस राज्य ने नहीं लागू किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब जम्मू कश्मीर ने भी लागू कर दिया है। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो जीएसटी परिषद का अनुच्छेद गठन अनुच्छेद 279A के अंतर्गत किया गया है और इसका गठन कौन करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है, तो हमारा आंसर राष्ट्रपति, हम लोगों ने पहले ही बात की। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमारे देश का केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अगला प्रश्न है जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले किस देश ने जीएसटी को लागू किया था, सबसे पहले जर्मनी, चीन, जापान, फ्रांस, तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही, फ्रांस। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस ने और हमारे देश का जो जीएसटी मॉडल है वह कनाडा पर आधारित है। कनाडा जो कि उत्तर अमेरिका का एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक ऊपर, ठीक उत्तर में यह देश स्थित है। मैप में आप लोगों ने कनाडा के बारे में देखा होगा, तो हमारे यहाँ का जो जीएसटी मॉडल है वह कनाडा के मॉडल पर ही आधारित है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न यही है कि भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है, तो यह कनाडा पर आधारित है। जीएसटी परिषद का सदस्य निम्न में से कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का सदस्य राज्य वित्त मंत्री होता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति इसका गठन करता है लेकिन राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको जीएसटी दायरे के बाहर रखा गया है, तो जितने भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट देख रहे हैं, चाहे हम शराब की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, विद्युत की बात करें, इन सारे करों को, इन पर लगने वाले करों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने इस पर विचार किया है कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के अंदर लाया जाना चाहिए या नहीं। जीएसटी के तहत कौन सा कर केंद्र सरकार वसूलती है, तो जीएसटी के तहत जो सेवा कर होता है उसको केंद्र सरकार वसूलती है। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष हमारे जो राज्य है उनमें से किसी राज्य का वित्त मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको जीएसटी के संबंध में जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी किसी तथ्य को लेकर के कोई संदेह है, तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से कुमार विनय को आप सभी का नमस्कार। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।